वीडियो गाइस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फाइनली गाइस आज अपने साथ है मारुति जिम्नी 5 डोर। इसमें ना दोस्तों अपने सिर्फ दो ही वेरिएंट आते हैं, जेटा और अल्फा। तो आपको ना वीडियो में दोनों ही वेरिएंट अपन दिखाने वाले हैं कि दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है और आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है। भाई यार देखो ये बढ़िया चीज़ है कि सिर्फ दो ही वेरिएंट है, तो ज़्यादा अपने को कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि अपन कौन सा वेरिएंट लें। बढ़िया सिर्फ दो ही वेरिएंट है, जो पसंद आए वो अपन ले लो। तो आपको बेस मॉडल और टॉप मॉडल दोनों अपन दिखाते हैं। अब वैसे अपन देखो सबसे पहले लुक्स की बात करते हैं ना, तो देखो 3 डोर जिमनी तो अच्छी लगती थी और 5 डोर ना और बेटर लग रही है। और उसका ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, उसका ब्लू कलर भी आप देख सकते हो, ये भी अपने को थोड़ी थोड़ी ब्लैक तो लगती है। अपन थोड़े किसी डिफरेंट एंगल से देखते हैं ना तो ब्लैक कलर भी लगता है, और रात में भी आपको ये ब्लैक कलर का मजा तो दे ही देगा। तो आपको ब्लैक कलर लेना है तो आप ब्लैक कलर भी ले सकते हो, तो आपको ब्लू ब्लैक का मजा चाहिए तो आप ये कलर भी अपना ले सकते हो। और भी इसमें अच्छे अच्छे कलर ऑप्शन आ जाते हैं और अपना डुअल टोन कलर ऑप्शन भी आ जाते हैं। अब गाइस अपन फ्रंट प्रोफाइल पर चलते हैं, तो आपको बेस मॉडल और टॉप मॉडल में दोनों में एक जैसी ग्रिल देखने को मिलेगी। बीच में अपना सुजुकी का लोगो है, पर यह बात है कि आपको बेस मॉडल में हेलोजन लाइट का सेटअप मिलेगा। हेडलाइट अपने को हेलोजन में मिलती है और अपने इंडिकेटर भी हेलोजन में। और इसमें ना अपने को बेस मॉडल में फोगलेम नहीं आते हैं। ये जो सामने आप गाड़ी देख रहे हो ना, इसमें फोगलेम लगाए गए हैं ए सीरीज में। बाकी अपन टॉप मॉडल की तरफ देखें ना तो उसमें आपको फुल LED लाइट का सेटअप मिल जाता है, आपको उसमें LED प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, पर इंडिकेटर्स तो उसमें भी हेलोजन में आते हैं। और भाई सबसे मेन चीज़ इसमें ना आपको टॉप मॉडल में हेडलाइट वॉशर भी मिल जाता है। तो बढ़िया, अगर आपकी हेडलाइट गंदी हो जाती है ना तो आप उससे वॉश भी कर सकते हो, तो ये टॉप मॉडल में अपने को एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो देखा जाए तो ये बड़ी काम की चीज़ है, पर अपने को बेस मॉडल में हेडलाइट वॉशर नहीं मिलता है। अब वैसे अपन साइड प्रोफाइल पर चलते हैं, तो आपको टॉप मॉडल में अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, ऐसी कुछ इनकी डिज़ाइन है। और बेस मॉडल में आपको स्टील व्हील्स आते हैं ब्लैक कलर के। सर मुझे अलॉय व्हील्स से ज़्यादा तो अच्छे अपने ब्लैक कलर के स्टील व्हील्स लग रहे हैं। बाकी बेस मॉडल और टॉप मॉडल दोनों में आपको 15 इंच के टायर आएंगे। बाकी चीज़ों की अपन बात करें तो आप टॉप मॉडल में इलेक्ट्रिकली ORVM फोल्ड भी कर सकते हो और एडजस्ट भी कर सकते हो, पर आपको बेस मॉडल में आप सिर्फ एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड नहीं कर पाओगे, आपको हाथ से ही फोल्ड करना पड़ेगा। और टॉप मॉडल में ना अपने को रिक्वेस्ट सेंसर भी आ जाते हैं और बेस मॉडल में रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आते हैं। और टॉप मॉडल की आप देख सकते हो ऐसी कुछ अपने को मिल जाती है, और अपने को बेस मॉडल में बेसिक सी की मिलती है। अब गाइस अपन टॉप मॉडल के इंटीरियर में चलते हैं, तो अपने को फुल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता है। और स्टेयरिंग पर आप देख सकते हो उसमें अपने को क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, और उसका क्लस्टर भी आप देख सकते हो, एनालॉग मीटर्स मिलते हैं, और साथ में अपने को बीच में MID मिल जाती है। बाकी नीचे अपन देखें तो आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप, वॉल्यूम के कंट्रोल्स, और ऊपर आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप, हेडलैम्प वॉशर और लेवलर का बटन मिल जाता है। बाकी तो अपना ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो गियर नॉब आप देख सकते हो, और ये अपना 4x4 का गियर नॉब, और इधर अपना हैंड ब्रेक, और आपको यहाँ पर पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं। बाकी इसमें ना अपने को ऑटोमेटिक AC आ जाता है, आपको 9 इंच का बड़ा सा स्क्रीन आ जाता है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों आपको मिल जाते हैं। अब गाइस अपन बेस मॉडल के इंटीरियर में चलते हैं, तो इसमें ना आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, पर क्लस्टर अपने को एज इट इज सेम टू सेम मिलता है। और इसमें अपने को थोड़ी छोटी स्क्रीन मिलती है, 7 इंच की स्क्रीन है, पर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों आपको मिल जाते हैं। और इसमें ना आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं मिलता है, मैनुअल AC कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। अब गाइस अपन इंजन की बात कर लेते हैं, तो आपको बेस मॉडल और टॉप मॉडल में दोनों में ही एक इंजन ऑप्शन मिलता है, 1.5 लीटर का K15B इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 103 BHP की पावर और 134.2 Nm का टॉर्क। बाकी दोनों ही वेरिएंट्स में आपको 4x4 का ऑप्शन भी आ जाता है। और अपन माइलेज की बात करें तो देखो जिमनी 15-16 के आसपास ये माइलेज निकालेगी, बाकी हो सकता है और ज़्यादा भी निकाल दे और कम भी निकाल दे, अपने चलाने के ऊपर डिपेंड करेगा। सो गाइस ये थे अपने कुछ मेजर डिफरेंस टॉप मॉडल और बेस मॉडल में। तो एक बार अपन इसकी बूट स्पेस भी देख लेते हैं, तो ये आप देख सकते हो 208 लीटर की अपने को इसमें बूट स्पेस मिल जाती है। तो बढ़िया, 4 लोग अपन बैठ कर जाओ और आपके 3-4 बैग भी यहाँ पीछे आराम से रखा जाएंगे। बाकी इसमें ना अपने को हाइड्रोलिक सिस्टम मिल जाता है। और गाइस गाड़ी की बैक प्रोफाइल भी आप देख सकते हो, वैसे तो यार दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, चाहे वो आगे की बात हो या फिर पीछे की बात हो। अब गाइस अपन सेकेंड रो में चलते हैं, तो देखो ये अपनी 4 सीटर कार है, तो देखो 3 लोग को बैठने में तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, बाकी 2 लोग बैठ जाएंगे और बीच में एक बच्चा आराम से बैठ सकता है। बाकी इसमें लेग रूम तो अपने को ठीक ठाक ही मिलता है, और यहाँ पर अपने को एडजस्टेबल हेडरेस मिल जाते हैं, और ऊपर अपने को हेलोजन लाइट मिल जाती है, और यहाँ से आप डैशबोर्ड का लुक भी देख सकते हो। सो गाइस अब अपन प्राइस की बात कर लेते हैं, तो देखो दोनों ही वेरिएंट मैंने आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले दिखाए हैं, तो बेस मॉडल कंप्लीट ऑन रोड पड़ रहा है 16,21,000 रुपये के आसपास, और टॉप मॉडल कंप्लीट ऑन रोड पड़ रहा है 17,30,000 रुपये के आसपास। तो दोनों में 1 लाख से भी ऊपर का डिफरेंस है। तो यार देखो मुझे तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अपना बेस मॉडल लग रहा है, पर आपको थोड़े और ज़्यादा फीचर चाहिए, क्रूज कंट्रोल चाहिए, अलॉय व्हील्स आपको चाहिए, हेडलैम्प वॉशर आपको चाहिए, और भी थोड़ा फीचर्स आपको ज़्यादा चाहिए, तो फिर आपको टॉप मॉडल के लिए जाना पड़ेगा। पर मुझे तो देखो यार ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अपना
बेस मॉडल लगा। बढ़िया भाई, बेस मॉडल लो और उसमें तगड़ी तगड़ी मॉडिफिकेशन करा लेना तो जिमनी भी काफ़ी अच्छी लगती है। सो गाइस, वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आज की वीडियो अपनी थोड़ी छोटी सी थी, मेरे दोस्त ने वीडियो बनाकर मुझे भेजी थी, तो अपन बाद में फिर और अच्छे से इसका रिव्यू करेंगे। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक जो से कर देना और चैनल भी भाई सब्सक्राइब जो से कर देना। मिलते हैं फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।